गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसे स्टडी चल रही है? देखिए, रेगुलर आप स्टडी रखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कंसल्ट करिए. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4, एनिमल क्लासिफिकेशन. इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द हाउ कैन वी क्लासिफाई द डिफरेंट एनिमल्स. अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन we talk about the first phylum is today we discuss about the first phylum. This is called the Porifera, and today we discuss about the what is the basic characters of Porifera. Generally we talk about the commonly name known as sponges. Sponge dekha hai aapne ghar mein, hum jo hota hai bartan maanjne ke liye sponge ka use karte hain, aur usse hum kaha kisme water ke andar dip karenge to water ko absorb kar leta hai. तो आप इसी से याद रखेंगे कि कॉमनली नोन एज अ स्पॉन्जेस, हम इसे स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं. बिकॉज द स्पॉन्जेस इजीली डिप इन द वॉटर एंड एब्जॉर्ब द वॉटर, सो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो इन मराइन वॉटर, लिव इन मराइन वॉटर. नेक्स्ट इज एसिमेट्रिकल, यानी इट मीन्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इन इक्वल हाफ, इक्वल शेप एंड साइज. हम पढ़ चुके हैं, वी हैव टॉक इन प्रीवियस वीडियो व्हाट इज द एसिमेट्रिकल, जिसमें हम एनिमल्स को इजीली टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिकल. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल, इट मीन्स होल बॉडी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंड दीज सेल्स आर मल्टी सेलुलर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, यानी दीज आर द नॉट अ सिंगल सेल इज वर्क हियर, देर आर द टू और मोर सेल्स आर वर्क हियर फॉर ऑल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर. नेक्स्ट, वॉटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर, दैट इज कॉल्ड द ऑस्टिया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ पोरिफेरा फाइलम, दैट इज वॉटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर. जो बॉडी के अंदर जब वॉटर का एंट्रेंस होता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ माइनर पोर. जैसे आप देखिए, इसमें एक पोर्स मान लीजिए और इससे एंटर हो रहा है, तो दिस माइनर पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया. इन द बॉडी वॉल सेंट्रल कैविटी, इन द बॉडी वॉल ऑफ सेंट्रल कैविटी, यानी ऑस्टिया के थ्रू जो वॉटर होता है वो बॉडी वॉल के सेंट्रल कैविटी में एंटर होता है. दिस सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड द स्पंजो सेल. इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम एंड आउट ऑफ द बॉडी पार्ट, आउट ऑफ द बॉडी वॉल, इट इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम. यानी बॉडी से एंटर वॉटर किससे होगा? ऑस्टिया के द्वारा. और बॉडी से बाहर किसके द्वारा निकलेगा? ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है. स्पेशल जो सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, दिस सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड द स्पॉन्जो सेल. यानी सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्जो सेल बोलेंगे. कंफर्म इज वेरी क्लियर दैट दे कॉमनली नोन स्पंजेस, याद रहेगा. नेक्स्ट इज स्पंजेस इजिली एब्जॉर्ब वॉटर, सो दे लिव इन मराइन वॉटर. एसिमेट्री, सेलुलर लेवल इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सेल स्ट्रक्चर वाला है. द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मल्टी सेलुलर फॉर्म्स. वॉटर एंटर थ्रू द स्पोर, दैट इज कॉल्ड द ऑस्टिया. एंड बॉडी वॉल सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड द स्पॉन्जेस सेल. और वॉटर गोज आउट थ्रू द, यानी किसके द्वारा बाहर निकल रहा है? ऑस्कुलम के द्वारा. नेक्स्ट, पाथवे ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्पफुल. जब वॉटर जो होता है, वो वॉटर का जो पाथवे होता है, जैसे वॉटर जिस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट इज वेरी हेल्पफुल टू सम मेटाबोलिज्म रिएक्शंस लाइक फूड गैदरिंग, फूड को कलेक्ट करना. नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी, यानी गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है. नेक्स्ट इज बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन. बॉडी जो होती है वो किसकी बनी हुई है? पूरा एक स्केलेटन है, और स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइंक्यूलस, यानी बहुत सारे स्पाइंक्यूलस से, कंटिकाएं जिसको हम कहते हैं, कांटेदार संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर्स उस टाइप की से जो होती है वो बॉडी का स्केलेटन मेड अप होता है. नेक्स्ट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नॉट सेपरेट. एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही के अंदर, सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल इंडिविजुअल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डेवलप. एग्स और स्पर्म्स बोथ आर डेवलप्ड इन
वन सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडिटिया. हर्मेफ्रोडिटिया इट मीन्स अ सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इन वन सिंगल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, एसेक्सुअल थ्रू बाय द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन व्हेन ए सेल इज डिवाइडेड इन सो मेनी स्मॉल स्मॉल segments and these all segments are after the when the favorable conditions are come, then these segments are developed in new organism. Next is sexual reproduction is the formation of gametes, because the eggs and sperms are developed and eggs or sperms hote hain wo bhi develop ho rahe hain kahan par sex is किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के में इंटरनल पार्ट के अंदर होता है. सो लुक एट द डायग्राम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोरीफेरा, साइकन, यूस्पोंजिया और स्पोरेंजेसिल. ये जो होते हैं, ये साइकन का डायग्राम है. साइकन जो होता है इसी तरह से मराइन वाटर के अंदर पाया जाता है, लिव इन मराइन वाटर. एंड यूस्पोंजिया ऑल्सो प्रेजेंट इन मराइन वाटर. दिस इज द यूस्पोंजिया भी एक एग्जाम्पल है. पोरीफेरा, फाइलम एंड साइकन इज ऑल्सो एंड यूस्पोंजिया जी जो है, ये सब जो होते हैं वो फाइलम पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स होते हैं. तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक तो नंबर क्या बेसिक करेक्टर्स में आ सकता है, फिर कॉमनली नोन नेम क्या है. नेक्स्ट इज क्या क्या ऑस्टिया क्या होता है, तो ऑस्टिया इज अ पोर विच आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा एनिमल्स. And in the, this pore is helpful for entrance of the water in body. And osculum in the body throughout the water, that is helpful for osculum. Next is sexual reproduction, hermaphrodita. It means the eggs and sperms are produced in single ones. ये तो क्या है, ये सब थोड़े थोड़े से important question होते हैं जो कि very short questions आते हैं उसके अंदर से helpful होते हैं. बाकी डायग्राम्स भी आप रेगुलर बनाइएगा, बिकॉज इन प्रीवियस इयर्स 11th क्लास सिलेबस सम डायग्राम्स आर कम फ्रॉम द व्हाट इज द नॉन कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन या नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स. सो दीज डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.